आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं तथा ऐसे भी लोग हैं जो हमसे शायद हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ते या हमसे नहीं जानते, फिर भी हम ये वीडियो उन सभी के लिए बना रहे हैं जिससे जो है सभी को ये इस वीडियो के माध्यम से ये पता लग जाए कि जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या उनको क्वेश्चन आएगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, चाहे वो डिप्लोमा HI हो, BI हो या फिर IDD हो, सभी के एग्ज़ाम जो है 27 अगस्त 2023 से समय अलग अलग समय है सबका। डिप्लोमा HI का टाइमिंग जो है 11 बजे से लेकर के फर्स्ट मीटिंग 11 से 1 बजे तक होंगे और डिप्लोमा IDD के 11 से 2 बजे तक होंगे और सेकंड मीटिंग में जो है सभी के टाइमिंग 2 से 5 और 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक के होंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने सेंटर, अपने अपने कॉलेज से जो है अपना हॉल टिकट अवश्य प्राप्त कर लें। और हम आज बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट यानी कि जो हमारा पेपर है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली यूनिट आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लिख के ले लीजिए, RPWD क्या है और बेंचमार्क क्या है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही है, ये क्वेश्चन ये होंगे आपके। दूसरा, क्रॉस डिसेबिलिटी के हिसाब से ये लास्ट यूनिट जो आपके दिखाई दे रही है यूनिट 1.5 में, कंसेप्ट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोचेस एंड इंटरवेंशन, ये आपके क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम का सर्वे किया था और सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से ही डेवलप किए गए हैं। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि सेम प्रोसेस के हिसाब से आएंगे और इसमें जो सिंगल मार्क्स के, डबल मार्क्स के और 3 और लास्ट जो है 10 मार्क्स के सिंगल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको शायद पहले से ही पता होगा, नहीं पता होगा तो हमने वीडियो पे पीछे पोस्ट कर रखा, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, दूसरी यूनिट है काजेज प्रिवेंशन टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, इसमें से लास्ट टाइम में ये जो फर्स्ट यूनिट है ये तीनों आपको पढ़ के रखना होगा। अब ध्यान रहे, देखो कुछ बच्चों को ये लगता है जी हम एकदम फाइनली बता दिए यही क्वेश्चन आएंगे, तो मैं ऐसी पूरी 100 श्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन में 100% आने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं। तो आपको काजेज जरूर पढ़ के जाना होगा। काजेज में क्या है, चाहे वो डिप्लोमा BI विजुअल इंपेयरमेंट्स हो या लो विजन हो, हेयरिंग इंपेयरमेंट हो या जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर हो या डेफ ब्लाइंड या मल्टीपल डिसेबिलिटी की, इनकी क्या मतलब किस कारण से ऐसी जो डिसेबिलिटी है वो क्यों हो जाती है, उसके बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ के ही जाना होगा। अब हम यूनिट 3 की बात करते हैं, इसमें दिया गया है प्रिवेंशन यानी कि जब आपको ये पता लग गया कि इस बच्चे में या इस प्रकार की खान पान में या इस प्रकार की जो एटमॉस्फेयर होगा या जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से आपको पता लग गया कि इनको ये समस्या हो गई है, तो उसका आप प्रिवेंशन कैसे करोगे, मतलब उसका हस्तक्षेप कैसे किया जाना है, कैसे आप उनको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनके देख रेख और मतलब उनकी शिक्षा, रहन खा रहना, इस तरह से आपको कैसे किया जाना है, उसके बारे में आपकी यूनिट 2 में सारी जानकारी आपको 3 यूनिट में बताई गई है। उसमें जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में आपने लोगों ने पढ़ा भी है, अच्छे से जानते भी हैं, नोट्स में भी बहुत सारी चीज़ें लिखाई गई है, उसको आपने दोबारा से पढ़ लें क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, लास्ट टाइम क्वेश्चन रिपीट किया था, EST और जो है SLD ये क्या है, इसके बारे में लिखना था, ये आपको लिखना था। लास्ट टाइम में क्वेश्चन में आया था क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन लास्ट टाइम में आया हुआ था, तो इस बार आने की पूरी पूरी संभावनाएं होंगी। और हमारी जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए अभी आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त है, यानी कि पेपर संडे को है, आपके पास गिने चुने 3rd हो चुकी है, 3rd में आप एक यूनिट अभी 5 दिन आपके पास है, यानी कि आज क्या है बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यानी कि 5वें दिन आपका पेपर, तो आपके पास गिने दिन 4 दिन है, 4 दिन में आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, 3rd यूनिट यानी कि पूरी यूनिट पढ़ के जाना है और लास्ट टाइम में एक बार आपको सर्वे करना है, हाँ जी ये ऐसा लिखना है। लेकिन आप लोग ध्यान रहे कि पेपर आपको अच्छे से करके आना है, ध्यान रहे कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसमें आपका खुद का नुकसान होगा क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर आपके काट लिए जाते हैं, क्योंकि आप जब जवाब दोगे ठीक है, आपको जवाब पूरी 100% श्योरिटी के साथ नहीं आती है, जितना आपको आता है वो आप ज़रूर लिखिए। और RPWD 2016 जो इसमें दिया है यूनिट 1.4 में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे समुदाय में अगर NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई हुई है उसका क्या रोल है RPWD में, तो उसके बारे में आपको
इनके पेरेंट्स की क्या है रोल, उसकी सारी जानकारी आपको नोट्स में आपके पास उपलब्ध होंगी, बुक्स में या यूट्यूब पे पीछे पड़ी भी होंगी, आप लोग दोबारा से उसको देख सकते हैं। और लास्ट हमारी जो हम यूनिट की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो हमारा स्पेशल एजुकेशन का फील्ड है, वो कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे है, उसके बारे में आपको ध्यान रहे कि जो आपका यहाँ पे लिखा गया है यूनिट 1 पॉइंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर करंट स्टेट नीड इशू ऑफ द इम्पोर्टेंस द वर्क विद इन द इधर फ्रेमवर्क। और दूसरी हम बात करते हैं रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़, यानी कि हमने यूनिट 1.2 की अगर बात करते हैं, इसमें आपके यूनिसेफ क्या है और UNPDWHO क्या है, इसके सभी के फुल फॉर्म आपको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना होगा। ध्यान रहे आप लोग जो डिप्लोमा IDD के हैं उनके, इसमें से करीब है जो यूनिट 5 है इसमें से 3 या 4 आपके, हो सकता है 5 के 5ों जो फुल फॉर्म आपको दिख रहे हैं वो 5 के 5ों भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी और उसको देखिए, क्योंकि होता क्या है ये सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सिंगल मार्क्स में होता क्या है कि आप लोग अगर अच्छे से लिखते हैं तो उसके पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं आप लोग, इसलिए बिल्कुल स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है शायद उनको ज़्यादा हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये है वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन IDD HI या फिर BI या DB किसी या CP या MD से कोर्स कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है सभी के लिए कॉमन है, शायद फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन है। बाकी हमने सिलेबस में जो है ये सिलेबस डिप्लोमा IDD की है उसके सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन सभी का जो फर्स्ट पेपर है वो कॉमन है, तो आप लोग इसमें जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में से ज़्यादा ही क्वेश्चन ये आएंगे जो आपके फुल फॉर्म्स हैं, क्योंकि इसमें सारे फुल फॉर्म्स के बारे में ही दी गई है। शायद एक आध क्वेश्चन जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बारे में आपसे पूछ ले, लास्ट टाइम में पूछा था ISLRTC क्या है, ये कहाँ पे है, ISLRCT ये दिल्ली में है, आप लोग एक बार दोबारा से इसको पढ़ लीजिएगा तो उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यूनिट 1, 1st, 2nd, 3rd and 4th सारी यूनिट आपको दोबारा से 7 दिन का या 4 दिन 5 दिन का वक्त है, आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए मेंटली प्रिपेयर होके, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, भले ही सेंटर आपका दूर हो कहीं भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई क्या है और आपकी जो अब तक आपने जो पढ़ा है उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना होगा। दूसरा लिखने का तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद आप लोग अलग अलग फील्ड से, चाहे वो किसी साइंस साइड से पढ़ के आए, कोई आर्ट से पढ़ के आए, लेकिन ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपके अलग तरीके से लिखना होगा। ध्यान रहे कोई भी रेड पेन का उपयोग ना करेगा, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही उपयोग करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स लिखने में, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्लैक पेन का भी उपयोग नहीं करते तो उनके लिए थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब कॉपी इवेल्युएट होती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं इशू आते हैं। बाकी ऐसा कोई माइनॉरिटी नहीं है कि जी आप ब्लैक और ब्लू का ही उपयोग करें, लेकिन रेड पेन आपको नहीं यूज़ करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, और ध्यान रहे कि ये नहीं सोचना जी पता नहीं कहाँ सेंटर है, सेंटर जहाँ भी होगा आपको वहाँ जाना होगा, आपको पेपर में शामिल होना होगा, उसके लिए आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी चाहिए, और बाकी आपको इतना समझ तो है कि आपको कितने समय पहुँचना है, ये हॉल टिकट आपकी जारी हो चुकी है, सभी लोग सेंटर से अपने हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत सपोर्ट अवश्य मिलेगा अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को धन्यवाद। दूसरी वीडियो हम जल्द से जल्द पोस्ट करेंगे सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए बस आज के लिए इतना। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को धन्यवाद। और दूसरा ये है कि जब आप वीडियो देख लेते हैं ना तो गलती से एक बार लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे ये पता लग जाए हमारे कितने विद्यार्थियों ने इसको देखा।